सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी देख रहे हो मैं हाँ थोड़े नाल परमवीर सिंह औलख ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल कोटकपुरा गोलीकांड च नवी बनी SIT ने जांच तेज कर दिती है। चंडीगढ़ च SIT ने गवाहां नूं मिल सबूत इकट्ठे किए ने। गवाहां ने गोली चलाउण वाले दिन की सारी घटना बयान किया है। गोली चलाउण च पुलिस का सीगा शमूलियत सीगी ते नाल अहम भूमिका भी रही है पुलिस की। यह कहना है गवाहां का गोलीकांड घटना वाली थां ते SIT ने जांच भी कर चुकी है। तुहानूं दस दईए जो नवी बनी SIT है उसने जांच विच तेजी लिया दिती है। चंडीगढ़ तक पहुंच की जा चुकी है SIT वालों। कोटकपुरा गोलीकांड च जो नवी बनी SIT है उसने जांच तेजी लिया दी है। चंडीगढ़ च सिट ने गवाहां नूं मिलके सबूत इकट्ठे किए ने। गवाहां ने गोली चलाउण वाले दिन की सारी घटना बयान की है कि किने गोली चलाई है ते किदां किदां गोली चली है। गोली चलाउण पिछे पुलिस की भी एक वड्डी शमूलियत सीगी। सो इस ते वधेरे जानकारी लई मेरे सहयोगी अनमोल गुलाटी मेरे नाल जुड़ चुके ने। जी अनमोल, सब तो वड्डी भूमिका बयान कर दिती है गवाहां ने कि पुलिस की भी शमूलियत सीगी गोली चलाउण पिछे। जी बिल्कुल परम, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके दे नाल सरकार वालों कहा गया जा रहा है कि हुण फास्ट ट्रैक तरीके दे नाल जांच की जाऊगी तो कोटकपुरा गोलीकांड के मामले में लैके जी नवी SIT बनाई गई थी उन्होंने वालों जांच अपनी जी तेज कर दी गई। SIT वालों जे मुख्य गवाह से उन्होंने पूछगिछ की गई है। उन्होंने तो सबूत जोड़े कि इकट्ठे किए गए बह के गलबात की गई कि किस तरह पूरा वाकया होया। कुछ वीडियोज़ जी सी उस दिन की वो वीडियोज़ उन गवाहों को दिखा के उन्होंने पॉइंट्स जोड़े गए मेन नोट डाउन किए गए तो उन्होंने वालों गवाह वालों पूरी इनफॉर्मेशन जी वो शेयर की गई कि किस तरीके पूरा इंसीडेंट किवें होया। तो सब तो वही गल उन्होंने वालों आ भी जरूर दस्या गया कि पुलिस की किन्नी क किस तरीके दे नाल शमूलियत सी। हालांकि डायरैक्ट शमूलियत सी या नहीं उहदे बारे हजे तक कोई इनफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्ना को जरूर गवाहां वालों साफ तौर पर दस्या गया है कि किस तरीके की शमूलियत जी है वह पुलिस वालों पुलिस की इस पूरे कांड सी। तो कहा जा सकता है कि SIT वालों जी जांच है वो तेज कर दी गई। इसके अलावा तुहानूं दस दईए कि जिथे पूरा इंसीडेंट होया जिथे पूरा वाकया होया उत्थे पुलिस वालों उत्थे SIT वालों पहुँच के जी है मौके का जायजा भी लिया गया। उत्थे जाके पूरा मुआयना भी किया गया क्योंकि सीन जिहड़ा सीगा उन्हों रीक्रिएट भी करना हुंदा है। तो सीन रीक्रिएशन दे लई भी जिहड़ा कि मौके दे उत्ते पहुँच के पूरा मौके का जायजा लिया गया। उहदे अकॉर्डिंगली जिहड़ी वीडियोज़ सीगा कुछ पुरानिया वो वीडियोज़ नूं जिहड़ा कि लगातार छानबीन वीडियोज़ दी कीती जा रही है। तो वीडियोज़ जिहड़ी आ गवाहां नूं दिखा के उन्हां तों पुछया जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स इन्हां दे विच सीगे किस किस की शमूलियत सीगी ते किस तरीके दे नाल पूरा वाकया होया। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके दे नाल बार बार लगता है कि जिस तरह हाईकोर्ट ने निर्देश दित्ते ने दिखाया जा रहा सीगा अनमोल लगता है कि जिस तरह हाईकोर्ट ने निर्देश दिते ने कि 6 महीनों के विच इसका नबेड़ा किया जाए लगता है कि तेजी इसे करके लियांदी जा रही है क्योंकि उस तो इलेक्शन भी खड़ी है चोन जाबता भी लगन वाला है। जी बिल्कुल, पर हम दो चीज़ा ने जिवें कि पहला तुसी कहा कि हाईकोर्ट वालों साफ तौर पर कहा गया सीगा कि 6 महीने के जांच जिहड़ी कि पूरी की जाए अपनी रिपोर्ट पेश की जाए तो उहदे लई जिहड़ा कि सब तो पहला एक मुख्य कारण आही है जिहदे करके जांच तेज की जा रही है। दूजे पासे सरकार दे कोल हुण टाइम भी घट रह गया। वायदा जरूर सीगा कि इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी तो उस वायदे को पूरा करने लई हुण कुछ ही टाइम जिहड़ा कि पंजाब सरकार दे कोल इस वक्त है जिहदे लैके इस इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे उत्ते काफ़ी कुछ मैटर करेगा। 2022 दे की कुछ विकल्प बनते नज़र आएंगे, 2022 विधानसभा चोणां दे विच की कुछ समीकरण बनते नज़र आएंगे वो जरूर इन रिपोर्ट्स दे उत्ते इस जांच दे उत्ते डिपेंड करेगा। तो जिस तरीके नाल लगातार क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर भी कई यहोजे लोग ने जिहड़े कि गुरु साहिबान की बेअदबी लैके या कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि हुण जांच जिहड़ी फास्ट ट्रैक तरीके की जा रही है। SIT वालों हुण अपनी जांच दे विच तेजी लिया दी गई है क्योंकि एक पासे गवाह नाल पुछगिछ की जा रही है दूजे पासे जिथे पूरा इंसीडेंट होया उस उत्थे जाके सीन नूं रीक्रिएट करने की एक बार कोशिश भी की जा रही है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुख्य तौर के उत्ते जिस तरीके हाईकोर्ट के वालों आदेश दिए गए थे तो आने वाली विधानसभा चोणों मद्देनजर रखते हुए जांच जी कि हुण हो सकता है कि फास्ट ट्रैक तरीके की जाए। अनमोल मैं पूछना चाहवागी कि जिहड़े पीड़ित परिवार से उन्होंने बयान उन्होंने पिछले जो आया से कहने से कि असं नवी बनी SIT सहयोग उसकी जांच नहीं देवे तो कि हम प्रॉपर सहयोग दे रहे हैं। अनमोल मैं यही दोहराना चाह रहा सीगा वो अनुवीर ने सही सवाल पूछा है कि जेडे SIT
बनी है नवी उसका सहयोग ना करने की गल आखी सी पीड़ित परिवार ने कि लगता है उस विच कुछ ना कुछ घाट दिखाई दे रही है जेकर वह बयान अपने नहीं दर्ज कराते जे सहयोग नहीं देंगे तो लगता है कितना कितने एस आई टी ज्यादा मेहनत करने की लोड़ है उस विच जी जी बिल्कुल परम जिस तरीके नाल सवाल किया गया अनुप्रीत वालों भी तो साफ तौर पर जिहड़ी जिहड़ी गल कही गई सी कि परिवारक मैंबरां वालों उन्हां वालों कहा गया सीगा कि नवी बनाई एस आई टी ते भरोसा नहीं है उहदे पिछे कारण यह है कि जांच काफ़ी लंबे समय तो खिंचदी चली आ रही है तो उहदे करके जरूर कहा गया सीगा कि भरोसा नहीं है लेकिन हुण दी गल जेकर गल की जाए तो जिहड़े गवाह सीगे उहनां नाल पुछगिछ की गई है परिवार वाले नाल हजे तक ज़्यादा राबता कायम करने की कोशिश नहीं की गई लेकिन जेकर परिवारक मैंबर जिहड़े कि ने उह वी जेकर साथ देंदे ने नवी बनाई सिट का तो साफ तौर पर रस्ता जोड़ा कि है इन्वेस्टिगेशन का वह सिट तो कितने कितने सौखा होंगे नजर आऊगा लेकिन जेकर कोऑपरेट नहीं करते परिवारक मैंबर तो सिट न थोड़ी ज़्यादा मशक्कत जी की करनी पेगी हालांकि जोड़े मौके पर मौजूद गवाह से चश्मदीद गवाह से उन्होंने पुछगिछ जी की ज़्यादा जरूरी है इस वक्त वो की जा रही है वो उस तो अलावा मौके पर जाके जायजा भी लिया गया लेकिन हजे तक परिवारक मैंबर ज़्यादा परिवारक मैंबर के नाल ज़्यादा राबता कायम जोड़ा कि हजे तक नहीं किया गया हो सकता है आने वाले दिनों सिट वालों भी जरूर किया जाए क्योंकि यह भी एक मुख्य एक अहम हिस्सा एक अहम कड़ी बन सकती है इस जांच के वेखना होगा किस तरीके के नाल एस आई टी वालों जो जांच राबता कायम करने की कोशिश की जाती है अप्रोच की जाती है तो परिवारक मैंबर का की कुछ रुख जोड़ा कि सामने आता अनमोल सब तो वड्डा सवाल कांग्रेस का अंदरूनी कलेश बेअदबिया तो गोलीकांड लैके ही एक कलेश तुर है जो आई जी पर जो आई जी साहब ने उन्हों की रिपोर्ट खारिज कर दी है जदों की कुंवर विजय प्रताप होना की उदों का कलेश लगातार जारी है सुनील जाखड़ वालों अपने इस्तीफे की पेशकश की गई सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों की गई उस तो बाद ये जो कलेश है शुरू हो गया कि लगता है कि इस कारण करके ही तेजी लिया जा रही है कि अपन मना वास्ते चार साल तो कुछ किया नहीं पर आ छे महीने जड़े ने यह अहम मने जा रहे हैं जी बिल्कुल परम वेख्या जाए तो सब तो वड्डी चीज़ होंदी है भरोसा पहला पंजाब की जनता वालों सरकार के उत्ते भरोसा जताया गया सीगा उस तो बाद जिहड़े कांग्रेस पार्टी के हिस्से ने उन्हां वालों भी नुमाइंदियां वालों भी भरोसा जताया गया सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते कि जांच निरपक्ष तरीके दे नाल कीती जाऊगी तो दोषियों नूं सज़ा दवाई जाऊगी लेकिन इस वक्त जिहड़ा कि भरोसा टुटता नज़र आ रहा पंजाब की जनता का भी तो उत्थे ही दूजे पासे वह लोग जिहड़े कि कांग्रेस के विच ने कांग्रेस का हिस्सा ने उन्हां दा भरोसा भी कितना कितने टुटता नज़र आ रहा क्योंकि जदों आई जी कुंवर प्रताप की रिपोर्ट सी उन्होंने खारिज कर दिया गया तो साफ तौर पर जिस तरीके नाराजगियां सामने आ रही उत्थे ही दूजे पासे इन नाराजगियां करके लोगों के इंप्रेशन भी एक कांग्रेस पार्टी का खराब जा रहा तो दूजे पासे लोगों का भरोसा भी उठता नजर आ रहा है तो यह भरोसा जितने के लिए भी जरूर कहा जा सकता है बिल्कुल भरोसा तो जितना ही होगा जेकर 2022 का किला फतेह करना है तो लोगों का भरोसा तो जितना ही पवेगा कांग्रेस पार्टी को अनमोल साडे नाल बने रहना इस विचाले एक होर वड्डी खबर भी सामने आ रही है तुहानू दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर वड्डा बयान दिता है जिस विच उन्होंने दोषियों नूं सजा दिवाउण दी गल कीती है तुहानू दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट करके निशाना साधिया सिद्धू का कहना है कि उन्होंने वालों 2019 की चोण जिहड़ी मुहिम आरंभ की गई सी ते उहदा एंड किया गया सीगा उह इक्को मकसद इक्को मुद्दे ते किया गया सी कि बेअदबी दे दोषियों नूं इंसाफ दवाया जाए उन्होंने कहा कि दोषियों नूं सजा कदों होवेगी उन्होंने ये भी गल कही है कि साडे विधायकां ते पार्टी वर्करां नूं दिल्ली जाके माणयोग हाईकमांड नूं सच दसना चाहिए जो मैं लगातार दस रहा तुहानूं दस दिए कि पिछले लंबे समय तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार ते निशाना साध रहे हैं बेअदबी ते गोलीकांड के मुद्दे ते अपनी सरकार ते सवाल चुक रहे हैं ते गल करदे आं डॉक्टर वेरका दी कांग्रेस विधायक ने उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं नसीहत दित्ती है उन्हां दा कहना है कि सिद्धू पटियाला छड्ड के अपने हलके यानी कि अमृतसर के लोगों का उन्हां दे नाल मिलन उन्हां दी सेवा करन वेरका ने कहा कि सीएम कैप्टन का खेमा सब तो वड्डा खेमा है ते सोनिया गांधी अते अमरिंदर सिंह मेरे कप्तान ने यह डॉक्टर वेरका का कहना है काफ़ी धाकड़ बुलारे मन्ने जांदे ने कांग्रेस के उन्होंने भी कितने ना कि नवजोत सिंह सिद्धू नसीहत दे दी है कि पटियाला छड़ के अपने घर वापस आओ जिहड़े हलके तो तुसी विधायक हो उसकी सेवा करो लोग तुहानू डीक रहे ने मैं सारे वेले हो वो उतो अपने इलाके जाओ
एक कोरोना की लड़ाई लड़ो, लोगों की मदद करो, जाके लोगों का हाल देखो, हस्पतालों जाओ, अपने इलाके घूमो फिरो, अपनी गलिया महल की हालत देखो, लोगों को मिलो। मैं एक गल कह रहा और मैं तुम्हें एक गल कह, यह सबनों अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए है। और मैं कहंगा ये सियासी लड़ाई छड़ के एक कोरोना की लड़ाई लड़ो, आओ सारे मिलकर सेवा के काम चले। नमरिंदर सिंह मेरा लीडर है, मेरा मुख्यमंत्री, कौन कहता मैं हिस्सा नहीं, मैं बिल्कुल हिस्सा है। इस गल की शक है, एक गुट है, गुट है सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी जिंदा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया जी। बिल्कुल, इसे तो वधेरे जानकारी लई अनमोल साढ़े नाल जुड़े हुए ने। अनमोल, वड्डियां खबरां दो तुहानू होर सुना दित्तियां ने, जो कि एक तो डॉक्टर वेरका नू लैके है, तो दूजा सिद्धू दे ट्वीट नू लैके। लगातार ट्वीट हो रहे हैं, जो तो यह जो अंदरूनी कलेश है चल रहा, लगातार ट्वीट से ट्वीट, ट्वीट से ट्वीट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन हालांकि चुप ने, जवाब नहीं दे रहे, पर इस विचाले एक होर ट्वीट सामने आता है। उधर जेकर गल करते हैं डॉक्टर वेरका की, ताकड़ बुला रहे हैं, तो कांग्रेस का हमेशा ही पक्ष पूरते हैं। उन्होंने भी कह दिता है कि मेरे कप्तान कैप्टन ने तो सोनिया गांधी ने, उन्होंने खेमा सब तो वड्डा है। किवें देखते हो? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके लगातार असी भी गलबात पहला कर रहे थे बेअदबिया के मामले की, तो इस बेअदबिया के मामले लैके जिते एक पासे सरगर्मी तेज़ होंगी नज़र आ रही है, पार्टी के भी नाराजगी ये करके ही सी, तो हूँ जोड़ा कि है यी नाराजगी जी जग जाहिर होती नज़र आ रही है। खुले तौर के उत्ते कहा जाए तो जोड़े जिन्हें भी बुलारे ने खुल के जोड़े कि जनता के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं। हूँ जेकर गल की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की, तो नवजोत सिंह सिद्धू वालों कल ट्वीट किया गया कि 2019 के इलैक्शन कैंपेनिंग उन्होंने शुरू करके खत्म कर दी गई सिर्फ बेअदबिया के मुद्दे को लेकर। तो कल ही उन्होंने वालों ट्वीट किया जाता, तो कल ही SIT वालों भी जोड़ा कि है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की जाती है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि समीकरण बनते नजर आ रहे हैं कि हूँ जांच जी की तेज तरीके की जाऊगी। उत्थे ही जिस तरीके हरीश रावत की गल की जाए तो हरीश रावत भी पंजाब पहुँच के जोड़े भी नाराज जोड़े बुला रहे हैं पार्टी के, उन्होंने मिलना सीगा, उन्होंने गलबात करनी सी। हालांकि तबीयत नासाज होने करके पंजाब नहीं पहुंचे, तो फोन के उत्ते गलबात की गई प्रताप सिंह बाजवा के नाल, प्रगट सिंह के नाल, ये तमाम लोगों के नाल गलबात करने बाद उन्होंने एक आग्रह किया गया कि पार्टी पद्धर के उत्ते अपनी नाराजगी रखी जाए, जग जाहिर जोड़ा कि ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके तलखी नज़र आ रही है, जिस तरीके बयानबाजी सामने नजर आ रही है, यह बेअदबिया का मामला जोड़ा कि है हूँ कांग्रेस के भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होंगे नज़र आ रहा, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोगों का भरोसा जोड़ा कि है वो अपने अपने MLA तो सगा, अपने अपने विधायक से सगा, तो विधायक जोड़े कि ने अज हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपनी नाराजगी पेश कर रहे हैं कि जो लोगों ने उन्होंने उत्ते भरोसा किया तो अज जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। तो जिस तरीके तुम्हें भी जरूर किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त शांत ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोई बयान जोड़ा कि सामने नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अपनी जांच जी की है इस चीज़ को लेकर बेअदबी मामले को लेकर वो जांच में तेजी तेज करवा के उस तो बाद ही कुछ चाहवांगी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ट्वीट किया है उन्होंने क्या है कि पार्टी के जोड़े विधायक ने ते पार्टी के वर्कर ने उन्होंने हाईकमान को सच दसना चाहिए। सिद्धू कि सच की गल कर रहे हैं कि बेअदबी और गोलीकांड मुद्दा से इंसाफ की गल कर रहे हैं, जेकर यदि गल कर रहे हैं तो की हाईकमान इस तो वाकिफ नहीं हैगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जेकर गल की जाए पंजाब के जोड़े मुद्दे ने, तो नवजोत सिंह सिद्धू का यह कहना है कि पंजाब के जोड़े मुद्दे ने उन्होंने हाईकमान तक पहुँचाना जरूरी है। जिस तरीके गल की जाए पंजाब केडर की, तो उत्थे प्रताप सिंह बाजवा वालों भी पहला कहा गया सीगा कि हाईकमान में इंटरवीन करना चाहिए, हूँ नवजोत सिंह सिद्धू वालों भी किया कहा गया कि जिन्हें भी नाराज लोग ने, जिन्हें भी बगावती सुर इस वक्त नज़र आ रहे हैं उन्होंने अपनी आवाज़ हाईकमान तक पहुँचानी चाहिए ताकि उन्होंने पता चले। हालांकि बिल्कुल तुहाडी गल जायज़ है कि उन्होंने भी इल्म इस चीज़ का जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके की धड़ेबाजी हुण नज़र आ रही है तो इस धड़ेबाजी नू कंट्रोल करने के लिए ही शायद कितने कितने हाईकमान वालों हरीश रावत को भेजा गया सीगा पूरी काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो हरीश रावत ने कुछ कारण करके पंजाब नहीं पहुंच पाए। इतने गल देखने मिली है ना, जेकर असी बेअदबी मामलों की गल करते हैं, जिहड़ा मैनीफेस्टो बनिया सीगा कांग्रेस का 2017 दे विच, उस विच लिखिया सीगा कि असी जो बेअदबी मामलों ते इंसाफ दवावांगे, की गल ओह कांग्रेस हाईकमान ने नहीं सी देखिया, वाकिफ तो होणगे ही ओह।
जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए मैनीफेस्टो की तो उदों भी जरूर कहा गया सीगा कि छेती इन्वेस्टिगेशन करवाई जाऊगी, जांच करवाई जाऊगी ते दोषियों नूं सज़ा दवाई जाऊगी। तो मैनीफेस्टो जरूर तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है कि हाईकमान वालों अप्रूव किया जाता तो हाईकमान नूं जरूर इलम होगा इस मैनीफेस्टो के बारे। लेकिन हुण दी जेकर गल की जाए तो जिहड़े बगावती सुर नज़र आ रहे हैं उन्होंने वालों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उन्होंने गल नहीं सुनी जा रही तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि दोषियों नूं सज़ा नहीं दवा रहे। तो इस चीज़ नूं जिहड़ा कि है इस मैसेज को जो कि हाईकमान तक पहुँचाना जरूरी होगा, यह कहना नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू वालों साफ तौर पर कहा गया कि पूरी जी पंजाब की इमेज है ये इमेज में जोड़ा कि हाईकमान तक पहुँचा होगा। हालांकि हाईकमान पूरी चीज़ तो इस वक्त अवेयर नज़र आ रहा है क्योंकि जेकर अवेयर ना होंगे तो शायद इंटरवीन जो है वो पंजाब ना किया जाता हाईकमान वालों। हरीश गल कर सब तो मुख चेहरे इस जो भी समीकरण बने हुए ने सब तो मुख चेहरा जिन्होंने इतने उत्तराखंड तो भेजा गया सीगा इन्नी दूरों पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत होरी सानू कितने दिखाई नहीं दे रहे, कलेश वाधा जा रहा। हालांकि घूरी भी वट्टी गई है, फोन करके इतों तक पता लग्या सूत्रों के हवाले तो खबर आई थी कि प्रियंका गांधी ने फोन किया, उन्होंने घूरी भी वट्टी है कि इससे थोड़ी ठल पाई जाए, पर इसके बावजूद भी एक बार फिर ट्वीट सामने आ जाता है। असीं कल दी गल कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू फिर नहीं टिके, फिर एक ट्वीट कर दिता है। की लगता है हरीश रावत कित्थे ने, कि कोई मसला हल करनगे इसका? हालांकि उन्होंने मीडिया को एक सुनेहा भी दिता है कि मेरा गला खराब है जल्दी अगे आऊँगा, पर फिर भी कितना कितने जिम्मेवारी तो बनती है, दो धड़े खड़े हो गए ने कांग्रेस के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल साफ तौर पर जो पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू की काफ़ी ज़्यादा नाराजगी खुल के सामने आ रही थी तो उदों भी हरीश रावत वालों मीटिंग जी नवजोत सिंह सिद्धू के नाल की गई थी। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू को समझाने की कोशिश की गई थी पार्टी के वापसी अपनी जगह बनाने। बार बार हरीश रावत वालों भी यही बयान दिता जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का हिस्सा ने, राहुल गांधी के लिए पहला भी काम करते आए हैं तो हूँ भी करते रहेंगे, कैंपेनिंग भी अगे करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके हूँ जोकर इस वक्त पंजाब के कैडर नज़र आ रहा कि सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं बल्कि काफ़ी है जो लोग ने जो कि इस बेअदबी मुद्दे को लेकर नाराज पार्टी तो नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल हरीश रावत वालों इंटरवीन किया गया, फोन पर गलबात पहला की गई है तो उस तो बाद पंजाब भी जरूर पहुँचना सीगा, लेकिन अपनी तबीयत नासाज होने के करके अपनी तबीयत का हवाला देंदे हुए उन्होंने वालों कहा गया कि हजे वो नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है सूत्रों के हवाले तो एक खबर भी आ रही है कि हरीश रावत जल्द ही पंजाब पहुँचे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पिछली बार भी जो हरीश रावत पंजाब पहुँचे थे तो सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सगिया, तो हूँ भी जदों हरीश रावत पंजाब आएंगे पंजाब के आके लोगों मुलाकात करेंगे तो क्या जा सकता है, उम्मीद जताई जा सकती है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो कि इस प्रॉब्लम का निकलता आ सकता है, निकलता हुआ बनता हुआ नज़र आ सकता है। जी बिल्कुल अनमोल, ये तो आने वाला समा ही दसेगा कि आखिरकार कांग्रेस का की बनता है। ये तो 2022 के किले फतेह की गल कर रहे हैं पर हाले इन्हों का अपना जो किला है अंदरूनी किला है वही नहीं फतेह हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अहम जानकारी दी खुल के गलबात की है। तो हम अगली खबर रुक कर लें, कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने मौका प्रस्त लोगों से सीधे असिधे तौर पर निशाने साधे। जाखड़ का कहना है कि मौका पालन वाले आगुओं तो बचने की अपील है। उनका कहना है कि आपदा च अवसर पालन वाले तो सुचेत रहो, तो जेड़े भी कांग्रेसी आगू पार्टी विरोधी कार्रवाइया शामिल हो रहे हैं उन्होंने हाईकमांड की पूरी नज़र है। इस अलावा जाखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कई कोविड खिलाफ लड़ाई की बजाय अपने हित प्यारे ने। सो गल करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, उसके संबंध में हाई कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुना दिता है। कोर्ट ने कहा कि बिना विआह तो लिव इन रिलेशनशिप च रहन वाले किसी भी बालक का अधिकार है। दरअसल प्रदीप नाम के एक नौजवान ने हाई कोर्ट में पटीशन पा के कहा कि वह अपनी पसंद की लड़की नाल रहना चाहता है तो लड़की भी इसलिए राजी है, पर लड़की के घर वाले उसनू जान तो मारन दियां धमकियां दे रहे सन। इस पटीशन से सुनवाई करदिया कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना विआह तो कोई भी बालग लिव इन रिलेशनशिप से रह सकता है। इस तो अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि समाज के कारण किसी को भी संविधानिक अधिकारों तो वांझा नहीं किया जा सकता, एक वड्डा फैसला मनिया जा रहा है। इस दे नाल ही हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बालक नूं अपनी जीवन जो लीला है जां अपना जीवन है वह अपनी मर्जी नाल जीउण दा अधिकार है, एक वड्डा फैसला मनिया जा रहा है हाईकोर्ट का। तुहानूं दस दईए कि हर बालक लड़का लड़की यानी कि 18 तों जिहड़े वध ने
वह लिव इन रिलेशनशिप च रह सकते हैं क्योंकि परिवार कित ना कि इस नाराजगी जाहिर करता है। पर हूँ हाई कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुना दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਿਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਤਿਕਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ कि 18 प्लस यानी कि बालग जड़े लड़का लड़की ने नौजवान ने और लिव इन रिलेशनशिप से रह सकते हैं। हालांकि परिवार को इस ते नाराजगी होंदी है क्योंकि परिवार चाहता है कि साड़ी मर्जी नाल बच्चे बच्ची का विआह होवे, पर लिव इन रिलेशनशिप दे विच हुण एक वड्डा फैसला हाई कोर्ट का सामने आया, किवें देखते हो? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਚੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ इंपोर्टेंट गल ये कि पिछले 15 दिन दे विच दो जजेस ने डिफरेंट फैसले दिते। 15 दिन पहला एक जज ने यह फैसला दिता कि लिविंग रिलेशनशिप नू असी नहीं कर सकते, अधिकार नहीं मान सकते, ना ही इस दे हक दे विच कोई फैसला दे सकते हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन नू लेके भी कोई फैसला जो नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि इस दे नाल साडा जिहड़ा समाजिक ताना बाना है वह कितने ना कितने डिस्टर्ब होएगा जे असी लिविंग रिलेशनशिप की परमिशन दिने। पर जिहड़े परसों ऑर्डर आए ने उहदे विच जज ने कहा कि यह संवैधानिक अधिकार है, तो कह सकते हैं कि हर जज अपनी अपनी समझ के नाल यह फैसला जरूर दे रहा है। पर कि ना कि जिहड़े जिहड़े लोग रहना चाहते हैं लिविंग रिलेशनशिप के विच, उन्होंने जरूर एक डाउट्स रहने ने, इसलिए वह सब तो पहला हाई कोर्ट का रुख करते हैं। पर 15 दिन च दो जजिस ने डिफरेंट फैसले दिते ने। हालांकि जिहड़ा पहला फैसला आया सी उसनों लैके जरूर जिहड़े पिटीशनर ने उन्होंने कहा कि असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे कि साडा जिहड़ा लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है वह किते ना किते इस नाल डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उन्होंने किते ना किते धमकियां मिल रही थी। पर यह एक वड्डा फैसला जिहड़ा कोर्ट ने कल सुनाया है कि यह संवैधानिक अधिकार है, हर किसी की किसी नू फ्रीडम है, जिस तरह भी वो रहना चाहता है वो रह सकता है। जी बिल्कुल नितिका, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। हाई कोर्ट वालों एक वड्डा फैसला आ चुका है, संविधानिक अधिकार है हर एक नू अपनी जिंदगी जीवन का। सो खबरों का सिलसिला इसे तरह जारी है, तुसी देखते रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। सत श्री अकाल।